मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन्स स्थित कलेक्ट्रेट में आज भारी संख्या में शिक्षक एक साथ इकट्ठा हुए। इसको लेकर बात करें, डिजिटल अटेंडेंस में कई सारी समस्याएं आ रही हैं। यहाँ शिक्षकों से बात करेंगे। जी सर, कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं? जी, हमारी मांग ये है कि मतलब जो हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस लेना चाह रहे हैं, पहले ही हम लोगों पर बहुत सारे अधिकारियों के निरीक्षण लगा रखे हैं, तो इसलिए ऑनलाइन अटेंडेंस की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस एक समय के अनुसार नहीं तो अच्छे रास्ते हैं, और विद्यालय में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे कि उसको मतलब उसका एक एक टाइम एक एक मिनट गिना जा रहा है। इसीलिए हम इसके विरोध में हैं कि हमें मतलब जो अन्य कर्मचारियों के अनुसार जो सुविधाएं हैं, हमारी ईएल हैं और अन्य हमारे विद्यालय की भौतिक सुविधाएं हैं, वह पूर्ण की जाएं। आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्या कुछ समस्याएं क्या अधिकारियों से मांग रहे हैं? सर, समस्याएं हमारी इसी को लेकर हैं कि जैसे बेसिक के टीचरों को अन्य स्कूलों की भांति, अन्य जो केंद्रीय विद्यालय के टीचर हैं उनकी भांति ईएल नहीं दी जाती हैं, हमें केवल 14 सीएल दी जाती हैं। अब 14 सीएल में एक मास्टर पूरे साल में कैसे गुजारा कर लेगा? उसके लिए फिर टाइम की पाबंदी है। मान लीजिए रास्ते में आकर कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ भी है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? एक टीचर के लिए इतनी सारी परेशानियां पहले से ही करा रखी हैं, सारे अधिकारीगण आते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो इसमें ऑनलाइन अटेंडेंस का इतना कोई वो बनता नहीं है। हम लोग सब पहले ऑलरेडी टाइम से जा रहे हैं, लेकिन अब टाइम की रास्ते ख़राब इतने होते हैं, इतनी दूर दूर गांव होते हैं, रास्ते सब कुछ ख़राब हैं, तो वहां पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल सा हो जाता है एक तरीके से। हम ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में नहीं है, आप करवाइए 8 बजे अटेंडेंस हमारी, लेकिन उससे पहले हमें जो सुविधाएं हैं, हमें 14 सीएल चाहिए, 31 सीएल चाहिए, प्लस हमें जो राज्य कर्मी का दर्जा है टीचरों को, बेसिक के टीचरों को कम से कम वो हमें मिलना चाहिए। जी, किन मांगों लेकर आज यहाँ इकट्ठा? जी, इन्हीं मांगों को लेकर आए, हमें 31 ईएल चाहिए, और ये व्यवहारिक नहीं है। लोग आएंगे, हर बार 8 में एक्सीडेंट में होंगे, तमाम समस्या आएंगे, ये व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग दूर दराज सभी लोग आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, टीचर सभी लोग, बहुत मुश्किल होगी, और ये चल ही नहीं सकता। और सारे लोग पहले से ऑलरेडी समय समय से आते हैं, सारे काम ठीक चल रहे हैं, ये अव्यवहारिक है बिल्कुल। ये टेबलेट का ये विरोध होना चाहिए, इसी हम विरोध में आए हैं, ये हम लागू नहीं होना देना चाहते। मैम, आज कलेक्ट्रेट पहुंची हैं, क्या कुछ मांगे हैं अधिकारियों से मिलना है, क्या समस्या है? हाँ जी, ये हम लोग अपना जो हमारी ऑनलाइन जो हाजिरी है उसके लिए पहुंचे हैं, और हम लोग को इससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन हम वो भी कर लेंगे, पर हमारी कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए हम खड़े हुए हैं। हमको ईएल नहीं मिलती है, हमको जो सीएल लिमिटेड है, हमको हाफ डे लीव नहीं मिलती है, तो उसके लिए हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं, देखते हैं अब क्या होता है। क्या इन समस्याओं के निस्तारण को लेकर अधिकारियों से क्या कुछ मांगे रहेंगे? यही सब हमारी मांगे हैं कि हमें मतलब ऑनलाइन हाजिरी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारी जो बेसिक की जो समस्याएं हैं, जैसे हमारा का हमें जो 30 सीएल कम से कम हमको मिले, और जो है सीएल हमारी 15 सीएल प्लस हाफ डे लीव, ये सारी चीज़ें हम लोग मांग रहे हैं। जी सर, कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, किन मांगों को लेकर अधिकारी से मिलना है? जी, ऑनलाइन हाजिरी को लेकर, रास्ते इतने ख़राब हैं, मौसम की व्यवस्था है, और दूर दराज से लोग आते हैं, कैसे करेंगे? हमें ईएल नहीं है, हाफ डे लीव नहीं है, इसमें क्या करेंगे बताइए? 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में कैसे करेंगे? क्या कुछ मांगे रहेंगे अधिकारी? बाकी अभी डीएम साहब के सामने समक्ष रखेंगे जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे संघ के पदाधिकारी हैं। जी, हमें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो और स्कूल के अध्यापकों को मिलता है, अन्य विभागों में मिलता है, लेकिन बेसिक के टीचरों को ये सब नहीं मिलता। बेसिक के टीचरों को केवल वहाँ पर है क्या, कोई सुविधा नहीं है आने जाने की, मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ऐसे समझ लीजिए। कितने शिक्षक जिले के आए हैं? यहाँ पे पूरे मंडल के शिक्षक हैं हमारे, मुरादाबाद सब यहाँ आए। हाँ, सारे। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन्स स्थित कलेक्ट्रेट पर आज भारी संख्या में शिक्षक पहुंचे हैं, जिनके द्वारा अधिकारियों से मुलाकात करनी है। कई मांगे हैं जिनको लेकर कलेक्ट्रेट पर इस वक्त शिक्षक मौजूद हैं, जिनसे बात की गई है, उनके द्वारा अपनी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।